एक्स्ट्रा मार्कअप्स। अब ये इस चैप्टर में ना इन्होंने उन तमाम मार्कअप्स को इकट्ठा किया है। आपने शुरू से देखा होगा इस बुक में कि हर चैप्टर में जो रेलिवेंट मार्कअप्स है ना उनको एक जगह इकट्ठा करके इसने पढ़ाया। जैसे फॉर्म कंट्रोल वाला जो चैप्टर था इससे पहले जो हमने पढ़ा है फॉर्म्स, उसमें क्या था जी कि जो इनपुट लेने से मुतालिक जितने भी मार्कअप्स थे वो सारे उसने कवर कर लिए। टेक्स्ट इनपुट बटन, फॉर्म रेडियो बटन, चेकबॉक्स, वो सारा उसने इकट्ठा कर लिया। फिर एक चैप्टर इसने टेबल का बना लिया था, टेबल से वो सेल वगैरह से मुतालिक सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो गई। अच्छा, वो कुछ लेकिन ऐसे मार्कअप्स थे जो वो किसी के साथ ऐसा पेयर नहीं बन रहा था, तो वो थोड़े थोड़े से हैं, तो उन सबको इस चैप्टर में इकट्ठा किया इसने लास्ट में। अच्छा, तो क्या तीन बातें यहाँ पे हो रही हैं? स्पेसिफाई डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML। अब हम तो अभी तक ये देखते हुए आ रहे थे जी कि HTML का जो वर्जन है वो 5 है और वो हम HTML 5 पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर HTML 4 या 3 या उससे पहले की हम बात करें तो वो ये उसका क्या चक्कर है भाई? तो यहाँ पे ना हम वो सीख लेंगे कि जी कैसे होता है। करना तो नहीं है हमें, करना तो हमें HTML 5 ही है, लेकिन जस्ट वो पता होने के लिए बात है। अच्छा, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स को ना ग्रुप कैसे कर सकते हैं हम HTML के अंदर। अच्छा, कमेंट्स, मेटा इन्फॉर्मेशन एंड आई फ्रेम, तो ये कमेंट्स क्या होते हैं? अब मेटा करके एक टैग होता है, उसका क्या काम होता है? तो ये वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल स्कैटर्ड हैं, अलग अलग मुतालिक चीज़ें हैं, तो वो लास्ट में यहाँ कवर हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे इसने यही बताया कि जी वो नाइसली फिट नहीं हो पा रहा था ग्रुप में, तो ये मैंने अलग बना दिया चैप्टर। अच्छा, इस चैप्टर के आखिर में इनके मुताबिक, ऑथर के मुताबिक, अगर आप इस तरह की एक वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएं तो इसका मतलब है आपने चैप्टर सही पढ़ लिया। ठीक है, तो ये आप इस तरह की वेबसाइट कोशिश कीजिएगा हाथ से अपने बना लें। अच्छा, यहाँ पे ये बात की इन्होंने द एवोल्यूशन ऑफ HTML, कि HTML जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है ना वो कैसे हुआ है, थोड़ी सी हिस्ट्री इन्होंने बताई है जी कि HTML4 जो है वो 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे भी पहले जो है वो XHTML1 HTML का पहला वर्जन जो था वो 2000 में रिलीज़ हुआ था। तो अब ये ज़रा पढ़ने वाली चीज़ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से कि जी वो क्या चक्कर था। अच्छा, ये बात हमने ब्रीफली डिस्कस कर ली है जब हमने वो बात डिस्कस की थी कि जी पहले तो वो पम्फलेट होते थे, वो पम्फलेट का फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बन गया, तो वो वेबसाइट हम उसको कहने लग गए, फिर वो 1 पॉइंट होता, फिर हम उससे 2 में दाखिल हो गए जिसमें इनपुट भी लेते थे हम। तो ये एक्चुअली हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं ये वाली स्टोरी, लेकिन यहाँ पे ज़रा ये स्टोरी एक डिफरेंट अंदाज से डिस्कस हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग ना ये मज़मून ज़रा पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम है, वो छोटी छोटी डिटेल आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा सीखने को। अच्छा जी, HTML5 जो है वो इनिशियली रिलीज़ हुई थी सन 2000 में। ठीक है, अच्छा, HTML की जो वर्जन का जो चक्कर है वो असल में ऐसा है जी कि राइट नाउ अभी जो चल रहा है HTML का वर्जन 5 चल रहा है, ये 2000 में रिलीज़ हुआ था। अच्छा, सन 2000 में कुछ नए फीचर आए थे जिसको उन्होंने कहा जी HTML5 है ये। अच्छा, लेकिन अभी तक जो जो नए फीचर आ रहे हैं HTML में उसको HTML5 के स्टैंडर्ड में शामिल किया जा रहा है। HTML5 का जो स्टैंडर्ड है वो भी क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, अभी आज अगर कोई नया फीचर आता है तो HTML5 में होगा। अच्छा, एक सर्टन पॉइंट पे जाके ये बोलेंगे कि जी HTML5 को हमने यहाँ क्लोज़ कर दिया, अब जो नया फीचर आएगा उसको हम HTML6 में काउंट करेंगे। एट सर्टन पॉइंट ये होगा, लेकिन अभी नहीं हुआ ये। ठीक है, आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर के अंदर वर्जन चल रहा होता है, वर्जन कंट्रोलिंग कहते हैं असल में इसको, जो हम गिट असल में जो हम पढ़ रहे हैं ना वो वर्जन कंट्रोलिंग का टूल है कि जी वर्जन पहले वर्जन में क्या था, फिर दूसरे में क्या हुआ, फिर वो चेंज का पूरा लॉग मेंटेन होता है, या जो कमिट करते हैं वो कमिट में लिखते हैं कि जी इस कमिट में मैंने क्या काम किया है, तो वो एक्चुअली एक वर्जन हिस्ट्री बन रही होती है। तो ये वर्जन का जो चक्कर है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है और बाकायदा वर्जनिंग सिस्टम्स बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे फेमस आजकल चल रहा है सिमेंटिक वर्जनिंग। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे किसी दिन जब हम Node.js शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जब उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरीज़ वगैरह फिर हम इस्तेमाल करेंगे उसमें वर्जन का चक्कर बड़ा होता है। तो वो बहरहाल, तो ये क्या करते हैं जी कि वर्जन जो होता है ना किसी भी, जैसे HTML के वर्जन की हम बात करें, अभी हम CSS पढ़ेंगे उसका वर्जन 3, तो वो 3 भी अभी जितने भी नए फीचर आएंगे वो सारे 3 में ऐड होंगे। एट सर्टन पॉइंट इसको ये क्लोज करेंगे, फिर जो उसके बाद आने वाले फीचर हैं उसको HTML6 में या CSS4 में उसको काउंट करेंगे। इसी तरह JavaScript का जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 6 इस वक्त, राइट नाउ ES6। ठीक है, फिर वो ES7, अच्छा ES6 जो है
यानी मैंने वो टाइम देखा है कि वो ES5 से ES6 में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। जब मैंने सीखना शुरू किया था बैक इन 2012, तो दैट वाज टाइम के वो ES5 वाज द लेटेस्ट स्टैंडर्ड, जावास्क्रिप्ट का वर्जन 5 जो था वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड था। उसके बाद वो ES6 अब सपोर्ट आ गई है तमाम ब्राउजर्स में, ठीक है। तो कुछ ऐसे फीचर हैं जो ES6 में ही थे, शामिल हुए थे, वो ES5 क्लोज कर चुके थे, तो जो ब्राउज़र ES6 सपोर्ट नहीं करते उसमें वो नहीं चलता। तो इस तरह का कोई चक्कर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जी वो जैसे गाड़ियों के मॉडल में ये होता है ना कि जी अभी इस साल का मॉडल है ये, अब अगले साल ये नहीं आएगा, वो हर साल चेंज करते हैं। इनका ये वाला चक्कर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल चेंज हो, ठीक है। ये आज 23 साल हो गए हैं HTML5 को इन्होंने ओपन रखा हुआ है। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है कि HTML5 में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं सन 2000 के बाद, सही है। कोई गिनती के 15-20 टैग इन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें HTML5 में की थी जो डायनेमिक हैं, ठीक है, वो भी अभी आगे ये डिस्कस हो जाएगा लास्ट में। वो कुछ ऐसी चीज़ें जी, मिसाल के तौर पे आपने ना एक टैग लगाया कि जी डिव, अब डिव का एक बिहेवियर होता है HTML के अंदर जो, वो डिव उसी तरह बिहेव करेगा। या एक टैग आपने लगाया पैराग्राफ का पी लगा दिया और उसके दरमियान में आपने कुछ, तो इसका एक खास बिहेवियर है। अच्छा, आपने कोई ऐसा टैग लगा दिया जो HTML में एग्जिस्ट नहीं करता, अब वो कैसे बिहेव करेगा? तो HTML5 में उन्होंने ये कह दिया था कि वो डिव बनेगा अगर आपने अरसलान नाम का टैग ओपन किया और अरसलान नाम का टैग क्लोज कर दिया। अब उस नाम का तो कोई टैग नहीं है, तो वो डिव बन जाएगा, वो उसका जो बिहेवियर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो डिव का जो बिहेवियर होता है वो हो जाएगा। तो अब वो इस तरह की डायनेमिक चीज़ें जो इन्होंने ऐड की थी ना, अब उसकी वजह से वो जो नए बहुत सारे टैग बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं वो असल में उस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। तो HTML5 में सन 2000 के बाद कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, वो जब जिस दिन इनको लगेगा कि अच्छा अब जो हम चेंज लाने वाले हैं ना वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है, तो उस दिन ये शायद HTML5 को क्लोज करेंगे और फिर 6 का आगाज़ होगा वहाँ से। वेल, तो ये बात इन्होंने यहाँ पे मज़मून में की है जो मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा डिफरेंट अंदाज़ में बताया है। यहाँ पे उसको डिफरेंट अंदाज़ में बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि जी कौन से वर्जन में ना कौन सी वाली चीज़, जैसे ये कह रहे हैं वेक्टर ग्राफिक की सपोर्ट आई थी और ये जो XML की और MathML की सपोर्ट आई थी, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि जी कौन सा जो वर्जन था ना, जैसे ये 4 के अंदर और 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नए सपोर्ट क्या आया। तो ये मज़मून पढ़ने वाली चीज़ है ये। अच्छा, तो ये सबसे पहले जो यहाँ पे आप टॉपिक बाकायदा जो कवर हो रहा है वो डॉक टाइप करके है। आपने देखा होगा HTML का डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें इस तरह करके डॉक टाइप एक ना टॉप पे बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर मैं जाऊँ, अगर मैं VS कोड में, और VS कोड में जाके मैं आपका कोड ओपन कर लूँ, सेक्शन बी, तो जब मैं इसके डॉक्यूमेंट के टॉप में जाता हूँ ना यहाँ पे, अच्छा ये हमने कभी हाथ से टाइप नहीं किया, ये हम कैसे टाइप करते थे, हम यहाँ पे लिखते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क और हम एंटर करते हैं, तो ये बेसिक HTML जो लिखी हुई आती है ये इसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये हमने कभी हाथ से टाइप नहीं किया इस क्लास में। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ वापस इसको, ठीक है। लेकिन हमारे हर HTML के पेज में ये ऊपर बात लिखी हुई होती है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये जो नीचे अब बात शुरू हो रही है ये HTML5 में बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ब्राउज़र उसको देखते ही समझ जाता है कि जी HTML5 है। मोर ओवर, अगर आपने ये बात सिरे से नहीं लिखी, मिसाल के तौर पे आपने कुछ भी नहीं लिखा, ये आपने डायरेक्ट जो है ना एक H1 लगा दिया, तो हमारा जो स्मार्ट ब्राउज़र अभी है, जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र हैं वो सारे मॉडर्न थोड़े स्मार्ट हैं, वो उसको समझ जाते हैं कि जी HTML है। वो डॉक टाइप अगर आप ना भी लिखें, हेड भी ना लिखें, बॉडी भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, सिर्फ H1 लिख दें डायरेक्ट, तो वो उसको चला देता है और बाई डिफ़ॉल्ट उसको वो कंसिडर कर लेता है कि जी ये HTML5 है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट कंसिडरेशन होती है कि 5 अभी जो चल रहा है वो है। अच्छा, लेकिन वो HTML का स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी आपने क्या करना है, आपने ना ये बात मेंशन करनी है, क्योंकि जी आप वेबसाइट बना रहे हैं अभी, आपने ये नहीं लगाया, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसने कंसिडर कर लिया कि अभी जो वर्जन चल रहा है वो। लेकिन अब वो ज़ाहिर है HTML5 किसी न किसी पॉइंट पर बंद होगा, 6 शुरू होगा, तो आप तो वेबसाइट बना रहे हैं अगले 20 साल के लिए मिसाल के तौर पे, तो वो जैसे ही 6 शुरू होगा ना तो ब्राउज़र उसको कंसिडर करेगा 6 में लिखा हुआ, तो इस वजह से ये लगाना तो ज़रूरी है, ठीक है, कि जो वर्जन कौन सा है वो लगाना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ पुराने HTML के जो डिक्लेरेशन हुआ करती थी ना वो भी, जैसे HTML4 का अगर आप कोड लिख रहे हैं तो डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है, थोड़ा ये साइज़ में बड़ी है ये डिक्लेरेशन, और 1.0 और XML करके, वो जो भी वर्जन पिछले थे सारे
तमाम की ना इन्होंने डिक्लेरेशन लिखी हुई है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे HTML1 में अपना कोड लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये HTML5 वाला हटा के ना रिमूव करके और आप इसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो इससे आपका ब्राउज़र ये समझेगा कि नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो HTML1 में लिखा हुआ है, सही है। लेकिन हम इसको वापस कंट्रोल जेड करके HTML5 पे लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा करने की आपको ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, होपफुली पुराने वर्जन पे जाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, HTML5 में ही रहेंगे आप। लेकिन ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जी ये ऐसे होता था पहले। अच्छा, कॉमेंट्स जो होते हैं HTML में, हम शायद पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कॉमेंट्स वाली, लेकिन चलें दोबारा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी लाइन मेरे HTML कोड में, कोई भी लाइन अगर मैं चाहता हूँ वक्ती तौर पर ये रुक जाए, कोड इसको रीड ना करे, एज़ अ HTML कोड इसको रीड ना करे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पकड़ता हूँ कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कॉमेंट हो जाता है। ठीक है, कॉमेंट होते ही इसका कलर VS कोड आपको चेंज करके दिखाता है। ठीक है, ये जो कलर चेंज हो रहा है ये VS कोड का फीचर है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से ये कॉमेंट हो भी रहा है और कॉमेंट ख़त्म भी हो रहा है, ये भी VS कोड का फीचर है। VS कोड क्योंकि एक टेक्स्ट एडिटर है लेकिन कोडिंग करने के लिए बनाया गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए स्पेशली इसको बनाया गया है, ये कोड एडिटर कह सकते हैं आप इसको, इस वजह से इसमें ये फ़ीचर रखा गया है। ऑन अदर एंड नोट पैड वगैरह जो कोडिंग के लिए नहीं बने उसमें ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये VS कोड का फीचर है, ये जितने भी कोड एडिटर होते हैं सब में ये फ़ीचर कॉमन है आम तौर पे, कि जी वो कॉमेंट होता है तो कलर चेंज हो जाता है और कॉमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि आप वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, आप हाथ से भी लिख सकते हैं कमेंट। ठीक है, ये हाथ से आपने लिखा यहाँ पे कमेंट और ये आपने इधर लगा दिया, सही है, हाथ से भी लिखेंगे तो एक ही बात है, शॉर्टकट दबाएं तो भी एक ही बात है, और शॉर्टकट से मैंने इसको ख़त्म कर दिया दोबारा, तो जी ये कमेंट हो गया। अब कमेंट का क्या चक्कर है, कौन बता पाएगा कि जी कमेंट हम क्यों करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया यार आपने, और कोई बताना चाहेगा दोस्त आप? हाँ, कोड की एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए दोस्त ने बताया कि जी हम कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई आप में से अपना ओपिनियन देना चाहेगा? यार गेट बंद कर दिया। अच्छा, तो बिल्कुल सही बताया दोनों लोगों ने जी, कमेंट का जो मेनली है ना दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एक, जैसा कि दोस्त ने बताया कि जब मैं कोड लिखता हूँ तो ज़ाहिर है मैं कोड लिख रहा हूँ तो वो तो ज़ाहिर है बहुत लंबा चौड़ा होता है कोड आमतौर पे। आप किसी भी वेबसाइट का अगर कोड खोल के देखें तो वो 400-500 लाइन का मिनिमम रहता ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा का होगा, 4-5 हज़ार लाइन का भी हो सकता है। तो जब वो इतना लंबा चौड़ा कोड लिखते हैं ना, तो मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, टीम काम कर रही होती है। ठीक है, तो अब वो कोई काम मैंने किया है वहाँ पे, मैं कुछ कमेंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ बात ऐसी लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर मैं वैसे ही लिखूँगा कोई बात यहाँ पे, तो वो तो उसको स्क्रीन पे दिखा देगा, है ना, इसको ये स्क्रीन पे दिखा देगा अगर मैं ऐसे करके यहाँ पे कोई बात लिख देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉमेंट। तो जैसा कि नाम जो इसका रखा है इसीलिए कॉमेंट रखा है कि जी कोई कॉमेंट लिख दें कि जी दिस कोड इसको मैंने इसलिए लिखा है ऐसे ऐसे करके, इसको रिमूव नहीं करना और ये अगर जो भी इंस्ट्रक्शन है, ताकि कल को कोई दूसरा डेवलपर जब आए ना इस कोड को रीड करे तो उसको हेल्प करे वो आपका कमेंट, वो एक्सप्लेनेशन कोड की, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन कि जी ये फंक्शन मैं इसलिए बना रहा हूँ, इस वजह से बनाया है, या फला बॉस के कहने पे बनाया है, है ना, कोड में होता है ना कभी बॉस की चलती है कि भाई ये होगा ऐसे होगा, तो आप उसमें हाँ डिवेलपर को शो होगा। ठीक है, अब जैसे ये HTML, मैं इस बल्कि पेज को ओपन भी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करके मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, ये HTML5 फॉर्म्स करके यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है। अच्छा, तो इस हेडिंग को अगर मैं क्या कर देता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, और इसको मैं कमेंट करता हूँ और सेव का बटन दबा के इधर आता हूँ और यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, तो वो मौजूद तो है कोड, डिवेलपर को वो दिखेगा लेकिन वो उसको एज अ कोड रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो नंबर एक तो ये कमेंट्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। नंबर दो डीबगिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। डीबगिंग पर्पस क्या होता है जी? डीबगिंग क्या होती है, कोई बता पाएगा? फिर मैं डीबगिंग को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सॉरी, कोड की लाइन बाय लाइन इंस्पेक्शन जो दोस्त कह रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बग जो है ना, बग वैसे तो कितने कीड़े को कहते हैं ना बग, जैसे वो पतंगा वतंगा होता है उसको कहते हैं वो, लेकिन जो पहला कंप्यूटर का बग था वो एक्चुअल में एक रियल बग था। पहले कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, सर्किट भी बड़े होते थे उसके, तो वो एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई कंप्यूटर बनाया था उन्होंने। अच्छा, कंप्यूटर सिर्फ साइंटिस्ट यूज़ करते थे ना, उस ज़माने की बात है जब नया नया आया था, आम लोगों को उसका एक्सेस नहीं होता था, ठीक है। जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटर है, आम लोगों को उसका एक्सेस नहीं है, वो साइंटिस्ट के लिए अभी इस्तेमाल हो रहा है फिलहाल। तो उस स्टेज पे था कंप्यूटर, तो वो क्या हुआ ना, उस सर्किट में जाके ना अंदर वो कीड़ा फंस के मर गया। अब वो उसकी वजह से सर्किट शॉर्ट वॉर्ट हो रहा था कुछ, तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था ना, जो साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा था, तो वो नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ ना, तो देट वॉज़ एन एरर कि जी वो कुछ। तो उसको जब तलाश किया ना, तो आखिर में वो कहानी पहुंची कि अच्छा जी वो तो ये कीड़ा इधर फंसा हुआ था सर्किट में, जिसकी वजह से वो शॉर्ट। तो उस दिन से ना इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बना ली कि जी बग। तो सॉफ्टवेयर में कभी भी ऐसा होता है ना कि जी आप कुछ करना चाह रहे हैं और वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपका नहीं प्रोड्यूस हो रहा किसी भी वजह से, तो उसको कहते हैं जी ये बग आ गया, कि एरर आ गया मतलब, ठीक है। लेकिन एरर नहीं कहते, बग कहते हैं, ठीक है। इन्होंने उसको टर्मिनोलॉजी बना ली है, क्योंकि वो फर्स्ट कंप्यूटर एरर वाज अ रियल बग। अच्छा, अब एक होता है डीबगिंग कि अजी अब वो डिज़ायर्ड रिजल्ट तो नहीं आ रहा, अब उसको वो तलाश करने का प्रोसेस कि जी ये अब बग है कहाँ पे। उन्होंने तो पूरी इंस्पेक्शन टीम बुलाई थी, वो पूरी सब जगह उन्होंने झांका पूरे कंप्यूटर को, जिसने बनाया था वो कंप्यूटर उसको भी बुला लिया होगा कि जी वो क्या हुआ देखो। तो आखिर में कहानी वहाँ पहुँची। तो ये एक प्रोसेस जो है, ज़ाहिर है, उस एरर को तलाश करने का प्रोसेस कि जी वो प्रॉब्लम हुई कहाँ पे, गलती कहाँ पे हुई है जिसकी वजह से ये डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको जगह जगह वो डीबग का लफ्ज़ देखने को मिलेगा, तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिस बंदे का वो कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं होता, वो देखता है पता नहीं क्या चीज़ होगी, लेकिन है बड़ी सिंपल सी चीज़। तो डीबगिंग पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं जी। समटाइम क्या होता है, अभी तो HTML में एरर नहीं आते, HTML में ये होता है कि जी कोड या तो चल जाएगा या तो नहीं चलेगा, दैट्स इट, कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें एरर्स आते हैं बाकायदा कि जी वो आपने इस तरह किया था ना तो ये नहीं हुआ, ठीक। तो अब वो या समटाइम ये होता है कि जी वो आपने कोई प्लस माइनस का कोई फार्मूला लगाया कि जी वो बंदे से आपने इनपुट लिया दो नंबर, और दो नंबर को आपने एक खास अंदाज में प्लस माइनस करके वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अब वो प्लस माइनस लगाने में समटाइम क्या होता है, आगे पीछे कर दिया कुछ आपने, अब वो डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब उसको चेक करने के लिए तो हम फिर क्या करते हैं, कुछ कोड को रोक देते हैं कि जी ये कोड इसको रोक देते हैं, फिर उसको चला के देखते हैं। या मैं ये करता हूँ कि जी आज के दिन मैंने पूरा जो कोड लिखा है उतने कोड को मैं रोक देता हूँ कमेंट करके, और फिर बकाया उससे पहले वाला कोड चलाता हूँ कि जी अच्छा इसमें ये क्या फंक्शनैलिटी सही। तो मुख्तलिफ तरीके से इसको डीबगिंग करते हैं, तो उसमें भी कमेंट्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। वक्ती तौर पर मैं कोड को रोक देता हूँ कि जी ये अभी ना चले, क्योंकि मुझे शक है जी इस कोड में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कमेंट कर देता हूँ तो वो एग्जीक्यूट ही ना हो, बाकी का कोड मैं चेक करता हूँ, हाँ यार सही चल रहा है, मुझे फिर पता चल जाता है अच्छा यार इसी पार्ट में ये एरर है। तो इस तरह की छोटी छोटी अप्रोच है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जब हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलती जाएगी कि वो डीबगिंग असल में करते कैसे हैं। मैं क्लास में यहाँ पर भी बहुत सारे एरर्स आएंगे मेरी स्क्रीन पर, तो जब मैं उसको डीबग करूँगा तो उससे भी आपको आइडिया होगा अच्छा यार डीबग इस तरह करते हैं। फिर बहुत सारे अभी तो गूगल क्रोम के अपने कुछ डेवलपर टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं डीबगिंग के प्रोसेस को आसान बनाने में ना, आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। वो एरर के मैसेज में बकायदा अब तो लाइन नंबर वो लिख के आ जाता है कि जी वो फला लाइन नंबर में और फला एरर है आपका, तो वो बड़ा एडवांस हो गया, ठीक है। जब वो बैक इन दोज डेज़ फॉल्ट्रान वगैरह या सी लैंग्वेज के ज़माने में वो शायद इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता था, हमारा ये जो सिस्टम है ना कंपाइलर इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता, तो उसको समटाइम पता नहीं चलता था कि बग है कहाँ पर। वेल, तो अब वो भी अब एक अलग टॉपिक है कि जी बग कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, वो कुछ उसकी क्लासिफिकेशन हुई भी, क्योंकि जाहिर है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर उसमें एरर आना एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ी बात होती है कि जी ये एरर क्यों आ रहा है इसमें। तो वो उस एरर की बकायदा पूरी क्लासिफिकेशन है कि जी इतने इतने इस तरह के एरर होते हैं और किस तरह के एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो भी हम इंशाल्लाह फिर हम जब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे और वहाँ पे जब हम कमेंट्स में पहुँचेंगे फिर हम देखेंगे। अच्छा,
तो ये कमेंट हमने देख लिया, कमेंट जो है वो सिंगल लाइन का भी हो सकता है, कमेंट जो है वो मल्टी लाइन का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बात करके ये टॉपिक ख़त्म कर दिया। आईडी का एट्रीब्यूट, आईडी का एट्रीब्यूट हम लगाते रहे हैं शुरू से, लेकिन यहाँ पे बुक में इस पॉइंट पे इन्होंने डिस्कस किया है। आईडी जी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम उसको दे देते हैं। अच्छा, एक आईडी जो मैंने दे दी किसी एलिमेंट को, तो सेम आईडी मैं किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकता। अगर मैं दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि एचटीएमएल में एरर नहीं आते। तो वो क्या करेगा, अब आईडी हम आमतौर पे क्यों देते हैं कि बाद में उस एलिमेंट को मैंने गेट करना होता है कि जी फला एलिमेंट पे जाओ उस पर ये कलर लगा दो, या फला एलिमेंट पे जाओ उसका जो लिखा हुआ है उसमें वो उठा। जैसे एक फॉर्म था, अब उसमें नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, तीन बात लिखी हुई थी। अब मुझे रोल नंबर के अंदर जो बात लिखी हुई है ना वो उठानी है, तो मैं उसको आईडी के ज़रिए उठाता हूँ। पिन पॉइंट करके अगर मुझे कोई ऑपरेशन करना होता है तो मैं वो आईडी के ज़रिए करता हूँ, है ना, सर्जिकल के जी वो इस पॉइंट से मुझे ये चीज़ उठा के ला के दो, या इस पॉइंट पे ये चीज़ ले जा के रख दो। तो वो डायनेमिकली सारा हम कर रहे होते हैं। अभी इंशाल्लाह हम वो जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा, फिर आगे JavaScript में भी इसका इस्तेमाल होगा। CSS में स्टाइलिंग जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि जी फला एलिमेंट पे जाके ना ये कलर लगा दो। तो अब मैं उसको अगर बोलूँगा कि पैराग्राफ, तो पैराग्राफ तो चार हैं, चारों पर लग जाएगा। तो फिर मैं कहता हूँ जी पैराग्राफ वो वाला जिसकी आईडी फला फला आईडी, ये जस्ट आईडी भी बता दूँ तो चल जाता है। तो मैं पिन पॉइंट करके इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो अगर मैंने एक आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट को दे दी तो क्या होगा, होगा कुछ भी नहीं। जो पहले उसको मिलेगा उसको वो कंसिडर करेगा, उसके बाद वाले को वो नहीं देगा। मैंने कहा ना कि जी अच्छा एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जिसकी आईडी लगी हुई है डॉग, उसको उठा के लाओ। अब डॉग लगा हुआ है दो एलिमेंट पर, तो जो पहला उसको मिलेगा ना उसको वो ले आएगा, दूसरे को वो छोड़ देगा। इस तरह का बिहेवियर होता है, ठीक है। एरर नहीं आएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो एक आपको क्या कहते हैं, क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट। आप अगर ये सोच रहे हैं कि जी मैंने दो पे आईडी लगाए, दोनों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो एक ही, तो वो पहला वाला जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और आईडी की एक बात ये है कि ना ये हर एचटीएमएल के एलिमेंट पे लग जाता है, ये वाहिद एट्रीब्यूट है, वन ऑफ दोज एट्रीब्यूट। कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे क्लास भी एक एट्रीब्यूट है जो सब पे लग जाता है। तो वन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स है जो तमाम एचटीएमएल के एलिमेंट्स पे लग जाता है, चाहे वो बीआर का ही एलिमेंट क्यों ना हो। बीआर का एलिमेंट होता है ना जो लाइन ब्रेक करने के काम आता है, उसमें भी ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो डिव हो, अभी डिव हम इसमें इसी चैप्टर में आगे डिव का भी जिक्र आ जाएगा। तो कोई सा भी एलिमेंट हो उस पर ये लग जाता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को मुझे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है यूनिकली पूरे पेज के ऊपर, ठीक है। इसको हम लगा के देख चुके हैं, फॉर्म पे भी हमने इसको लगाया था, आईडी और फॉर करके लगाया था। इसका आगे कंटिन्यूसली हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्लास करके एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, क्लास का क्या चक्कर है, बिल्कुल आईडी की तरह हम क्लास भी देते हैं उसको, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को हम ये दे सकते हैं, तमाम एलिमेंट के ऊपर ये लग जाता है। यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया कि जी एवरी एलिमेंट कैन ऑल्सो कैरी अ क्लास एट्रीब्यूट। क्लास का भी जो एट्रीब्यूट है वो तमाम एलिमेंट्स पर लग जाता है, लेकिन क्लास के एट्रीब्यूट में और आईडी के एट्रीब्यूट में एक फ़र्क है। अच्छा, दोनों इस्तेमाल होते हैं एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सही है, लेकिन आईडी जो है वो किसी पूरे पेज में किसी एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास जो है वो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया जी कि चार पैराग्राफ है मेरे, मैंने कहा जी ये चारों पैराग्राफ जो है ना ये एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो भी, जैसे आपने आमतौर पे देखा होगा वेबसाइट पे जितने भी पैराग्राफ होते हैं उनका फॉन्ट, उनका साइज़, उनका कलर एक जैसा होता है, ठीक है। पैराग्राफ्स जितना टेक्स्ट लॉन्ग पैसेजेस होते हैं उनका एक जैसा होता है। तो मैं क्या करूँगा, उन तमाम पैराग्राफ्स के ऊपर लिखूँगा कि जी ये नॉर्मल पैराग्राफ्स हैं, कोई भी एक क्लास का एक नाम बना के दे दूँगा। अच्छा, फिर अभी अगली हमने स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग करते हुए मैं बोलूँगा जी इस क्लास पे ना ये सारी चीज़ अप्लाई कर दो। तो वो क्या होगा कि जितने जहाँ जहाँ वो क्लास लगी होगी सब पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आईडी पे ऑन अदर एंड क्या होता है, आईडी आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दे सकते, क्लास देते ही एक से ज़्यादा को हैं। क्लास कभी भी एक को देने के लिए नहीं बनाते, क्लास आमतौर पर 4, 5, 10, 12, 20, 50 एलिमेंट को एक साथ टारगेट करने के लिए हम क्लास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझें कि जी आईडी जो है ना वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि जी एक पिन पॉइंट करके वो हो रहा है, और जो है ना वो क्लास एट्रीब्यूट जो है वो कारपेट बॉम्बिंग है कि पूरा वो धड़ 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 सब पे हो रहा है। अच्छा, तो
अब क्लास एट्रीब्यूट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्लास एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एट्रीब्यूट है HTML के अंदर, और नाम जो है इसका वही इसका मतलब भी है कि जी। मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, शायद पैराग्राफ वाली एग्जांपल कुछ सही एग्जांपल नहीं थी। मैं मिसाल के तौर पे कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना रहा हूँ, अब वहाँ पे जो प्रोडक्ट की एक लिस्ट आएगी मेरे पास, वहाँ पे मुझे ज़ाहिर है कि इमेजेस दिखानी है। जैसे अगर हम दराज का पेज, अब एक टिपिकल दराज का एक हम पेज देखते हैं, जब प्रोडक्ट पेज मैंने लिखा है, वेल कुछ इस तरह का खुलता है ना हमारे पास दराज का पेज, कि तमाम प्रोडक्ट ना एक ग्रिड में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, मैंने एज ए एग्जांपल इसको खोल लिया। अब आप इसमें देखें, एक इमेज, दो इमेज, तीन, चार, पाँच, छः इमेज हैं। अब ये छः की छः इमेजेस जो हैं, इमेजिन करें कि ये छः प्रोडक्ट हैं। उसमें होता क्या है जी, कि एक सर्टन साइज़ की इमेज होती है, उसके नीचे एक सर्टन साइज़ में एक टाइटल लगा हुआ होता है उसका, कि जी मिसाल के तौर पर कोई डिश वॉशर है तो एक डिश वॉशर उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, एक थोड़े से बड़े साइज़ के हेडिंग पे। उसके एग्जैक्ट नीचे छोटे साइज़ के टेक्स्ट में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, और उसके नीचे फिर उसके स्टार वगैरह रिव्यू बने हुए होते हैं। अब आप नोट करें, वो एक प्रोडक्ट जिस तरह से शो हो रही है ना, बाकी तमाम प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली उसी तरह शो हो रही है। अच्छा, तो अब इसके लिए क्या मैं ये करूँगा कि मैं एक प्रोडक्ट पर जाके एक आईडी लगाऊँगा और उस पर वो स्टाइलिंग सारी अप्लाई करूँगा, फिर दूसरे पर जाके मैं दोबारा कोई दूसरी आईडी लगा के वो सारी स्टाइलिंग अलग से अप्लाई करूँगा? ऐसा नहीं करूँगा। मैं बनाऊंगा एक क्लास, ठीक है, मैं उसको बना, क्लास का नाम मैं क्या रखूंगा? मिसाल के तौर पे मैं रखूंगा कि जी प्रोडक्ट ग्रिड आइटम, ऐसे करके कि जी ये प्रोडक्ट जब ग्रिड में शो होती है तो एक आइटम जो है उसमें से वो वाली क्लास में बना रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट ग्रिड आइटम ये मैंने नाम रख दिया, नाम वैसे कोई भी रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। और प्रोडक्ट ग्रिड आइटम पर ना मैंने बोला कि जी ये प्रोडक्ट ग्रिड आइटम जो है ये एक डिव है, स्टाइलिंग में ये मैं बात अब करने जा रहा हूँ, ये एक डिव है। इस डिव में सबसे पहले एक इमेज मिलेगी, उस इमेज की विर्थ हाइट इतनी कर दो। अच्छा, उस इमेज के बाद आपको मिलेगा एक टेक्स्ट, उसका साइज़ आप 32 पिक्सल कर दो, बोल्ड कर दो उसको। उसके बाद आपको मिलेगा एक और टेक्स्ट जिसका साइज़ आप कर दो 10 पिक्सल या 12 पिक्सल, जो भी स्टैंडर्ड पे आप चल रहे हैं, 12 पिक्सल कर दो, और उसका जो बोल्ड नहीं करो उसको, नॉर्मल स्टाइल रखो, और उसके नीचे जो है उसकी जो प्राइस लिखी हुई है उसका साइज़ कर दो 32 पिक्सल दोबारा, थोड़ा बड़ा साइज़, टाइटल वाला साइज़। और इस तरह करके ना आपने ये पूरा मेंशन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, वो जिस जिस डिव पे आप लगाते जाएंगे ना वो क्लास, उस सब पे वो अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो डिव, क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो आईडी वाले एट्रीब्यूट से जो डिफरेंट है वो इस तरह से है कि जी आईडी एक को पिन पॉइंट करके, और क्लास हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को जो कि एक जैसे हैं ऑब्वियसली, उनको हम एक साथ आइडेंटिफाई करके एक साथ उनके ऊपर चीज़ें अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना बात इन्होंने की है कि जी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अभी आगे जो हम सीएसएस शुरू करने वाले हैं। कुछ एलिमेंट ना आप देखेंगे HTML में वो क्या करते हैं, जब आप उन एलिमेंट्स को लगाते हैं तो पूरे लाइन में जगह घेर लेते हैं अपनी। अच्छा, वापस आते हैं हम इधर, आप देखें ये HTML, ये H1 लिखा हुआ है जो, अब ये क्या करता है कि जी वो ना पूरे हेडिंग पूरी जगह घेर लेता है। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं मिसाल के तौर पर ये लगा देता हूँ एक अदद पैराग्राफ, अब पैराग्राफ में मैंने दो थोड़ी सी बात लिखी है, लेकिन ये पैराग्राफ भी क्या करेगा, पूरी आखिर तक की जगह ले लेगा। अब असूलन तो होना ये चाहिए कि जी ये इतना सा अगर है तो इतनी ही जगह ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, पैराग्राफ भी ये पूरी जगह ले लेता है। वापस आके हम देखते हैं इसको ज़रा रिफ्रेश करके, आप देखें ये वाला पैराग्राफ है जो मैंने अभी अभी लिखा है। मैं इसको इंस्पेक्ट करके, और ये मैंने टूल क्लिक किया तो देखें ब्लू हो गया, ये इसको ये कहते हैं सेलेक्ट एन आइटम करके शायद कहते हैं, सेलेक्ट एन एलिमेंट, इस टूल का वैसे कोई अच्छा सा नाम रख देते तो बेहतर होता। अब देखिए मैंने H1 पे हाथ रखा ना, ये पूरी अवेलेबल विर्थ पूरी ले रहा है ये। अच्छा, विर्थ मैं थोड़ी अगर यहाँ से थोड़ी बढ़ाता हूँ विर्थ, है ना, इट डजेंट मैटर कि वो कितनी विर्थ अवेलेबल है, उसको पूरी चाहिए।
इसी तरह जो पैराग्राफ है उसमें भी आप देखेंगे पूरी विड्थ ले रहा है। अच्छा, लेकिन सारे एलिमेंट ऐसे नहीं है। जैसे ये इनपुट का एलिमेंट आप देखें, ये इनपुट का एलिमेंट पूरी विड्थ नहीं ले रहा। अच्छा, इसी तरीके से ये नीचे आप देखें टेक्स्ट एरिया, ये भी पूरी विड्थ नहीं ले रहा। ठीक है, तो अच्छा ये क्योंकि पैराग्राफ है, प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर, ये पैराग्राफ है। अच्छा, और यहाँ पे आप आ जाएं, ये हमने लगाया हुआ लेबल, ये पैराग्राफ नहीं है। सबसे लास्ट वाला जो है सेलेक्ट योर रिज्यूम है, ये लेबल है, ये पैराग्राफ नहीं है। तो आप देखें ये पूरी जगह नहीं ले रहा, इसमें ये लिखा हुआ भी आ रहा है साथ में ना। इस अगर ये पॉपअप जो खुला हुआ है उसके आप टॉप पे देखें, लेबल 127.07 इसका साइज़ बता रहा है, ये लेबल का एलिमेंट है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जी वो बजाय पैराग्राफ लगाने के मैं लेबल लगाऊंगा और फॉर का उसमें एट्रीब्यूट लगा के बाकायदा मेंशन करूंगा सिमेंटिकली कि किसका लेबल है ये। तो ये लेबल जो है वो पूरी जगह नहीं ले रहा, पैराग्राफ पूरी जगह ले ले रहा है। ये चक्कर क्या है कि जी कुछ एलिमेंट एचटीएमएल में ऐसे होते हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है कि जी वो जब भी उनको प्लेस किया जाएगा वो एक नई लाइन में शुरू होंगे, बावजूद इसके कि जगह खाली होगी लेकिन वो नई लाइन में शुरू होंगे और अपनी लाइन में वो किसी और को नहीं आने देंगे। उसके बाद जो भी एलिमेंट होगा उसको वो धकेलेंगे अगली लाइन में, यानी अपने नीचे, अपने अपने एडजस्टेंट साइड में नहीं आने देंगे, साइड बाय साइड प्लेस नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कुछ दो कैटेगरी है, तो जो ब्लॉक वाले छोड़ के बाकी के सारे वो इनलाइन हैं। कुछ जो दो चार एलिमेंट ब्लॉक हैं उनके अलावा बाकी के सारे जो वो इनलाइन हैं। इनलाइन एलिमेंट जैसा कि आप देखें यहाँ पे फिगर बना के भी इन्होंने दिखाया है कि जी वो जितना उसको साइज़ होगा ना उतना वो ले लेगा और वो अपने साथ में कोई दूसरा इनलाइन एलिमेंट उसको भी ऐड कर लेगा, तो ऐसे वो रहेगा। अच्छा, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ब्लॉक एलिमेंट हैं, उनका यहाँ पे इन्होंने मिसाल देके समझाया कि जी H1 पैराग्राफ UL एंड LI। अच्छा, ये वो तमाम एलिमेंट हैं, अगर आप इसको गौर से सोचें ना, H1 इज सपोज टू बी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आमतौर पे जब आप हेडिंग लगाते हैं तो उसके साथ तो शुरू नहीं करते, उसके नीचे वाली लाइन से आप बात लिखना शुरू करते हैं। पेपर पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो हेडिंग वाली लाइन में आप कुछ और नहीं लिखते, तो H1 इज सपोज टू बी ब्लॉक एलिमेंट। जब भी इसको ब्लॉक रखा गया है, आमतौर पर जब आप कोई पेज बनाते हैं, HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो यू मोस्ट लाइकली टू यूज़ H1 एज अ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत कम ऐसा सिचुएशन होगा कि नहीं जी मुझे ना हेडिंग के साथ पड़ोस में चीज़ कोई शुरू करानी है, वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत अगर हमें पड़ जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, H1 का जो ब्लॉक लेवल बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू, वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। बट इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनाया है इन्होंने, ब्लॉक लेवल बनाया है, क्योंकि इसने ब्लॉक लेवल के तौर पे ही मोस्टली इस्तेमाल होना है, 80-90% ऑफ द टाइम ब्लॉक लेवल। अच्छा, इसी तरह पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल इसीलिए होता है कि इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट। अच्छा, इसी तरह UL और LI का चक्कर है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे चार जिक्र किए हैं, चार के अलावा भी हैं, वो पूरी लिस्ट अगर आपने देखनी है तो MDN पे आप जाके लिखेंगे तो वो पूरा आपको चार्ट बता देगा कि जी ये हैं, और वैसे भी आपको जब प्लेस करेंगे वैसे ही पता चल जाएगा। अच्छा, इन लाइन एलिमेंट की जो एग्जांपल है वो क्या है, एंकर टैग। अच्छा, एंकर टैग आप इमेजिन करें, आमतौर पर पैराग्राफ के दरमियान में एक वर्ड ऐसा होता है जो क्लिकेबल होता है, क्लिक करते हैं कहीं और चला जाता है लेके आपको। अब पैराग्राफ के दरमियान में जो चीज़ आने वाली है ना, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन लाइन हो। अच्छा, लेकिन कभी आपको अगर ऐसा ज़रूरत पड़ गई कि जी नहीं एंकर टैग एक होगा, उसकी लाइन में कोई और ना आए, ब्लॉक लेवल बिहेवियर अगर चाहिए तो इसको भी मैं इन लाइन को ब्लॉक लेवल बना सकता हूँ यूजिंग द CSS। ठीक है, लेकिन ऐसी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। इसी तरह बोल्ड है, बोल्ड का भी यही चक्कर है जी, पैराग्राफ के दरमियान में किसी एक वर्ड को या दो वर्ड को मैंने बोल्ड करना है तो वो बोल्ड तो इन लाइन नहीं होता, तो मसला हल नहीं होता। तो बोल्ड आमतौर पर इन लाइन इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको इन लाइन रखा गया है। इसी तरह इमेज है, इमेज को भी इन्होंने इनलाइन रखा है कि जी आप इमेज लगाते जाएंगे वो साइड बाय साइड आता जाएगा जी, मतलब लेफ्ट से वो शुरू होगा और लेफ्ट पे पहली इमेज, अगली इमेज उसके बाद जहाँ स्क्रीन ख़त्म हो गई वहाँ से वो अगली लाइन पे जाना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो इमेज को भी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन रखा है। तो जितने भी इनलाइन एलिमेंट हैं, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, इनको चेंज किया जा सकता है इस बिहेवियर को इसके। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये डिव का जो एलिमेंट है ना, ये इंट्रोड्यूस करवाया है। हमने डिव का एलिमेंट यूज़ कर लिया है पहले ही तकरीबन तमाम लोगों ने, लेकिन बुक में ये यहाँ पर आया है तो ज़रा इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, डिव जो है ना वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव एक कंटेनर है, दैट्स इट। मिसाल के तौर पर एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम एक इमेज लिखते हैं, इमेज में हम SRC देते, भाई मुझे एक बॉक्स चाहिए, कंटेनर।
तो उसके लिए ना डिव हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इन्होंने देखें किस तरह करके यहाँ पे बनाया हुआ है। इन्होंने एक डिव यहाँ से देखें ओपन किया है और एक डिव इन्होंने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। अच्छा, डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन एक्चुअली ना, डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन, कि जी वो आप मतलब डिविजन्स बना रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। डिविजन्स कह लें आप उसको, या उसको आप अगर कंटेनर, वैसे इसके लिए मोस्ट प्रॉपर वर्ड है डिवीजन, आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन डिव एक्चुअली स्टैंड्स फॉर डिविजन्स, ठीक है। इसको कंटेनर, इसका जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो इसके लिए इस्तेमाल मेरा ख्याल है होना चाहिए वो कंटेनर है, कि जी ये क्या है, कंटेन करता है दूसरे एलिमेंट्स को अपने अंदर। अच्छा, जैसा कि हमने देखा है कि यू एल जो है ना ये भी एक कंटेनर हो सकता है, कि जी यू एल अपने अंदर एल आई ए को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो कंटेनर एलिमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये डिव जो है ना ये जस्ट कंटेनर है, इसका और कोई काम नहीं है। अच्छा, और डिव बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, डिव का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वेबसाइट बनाते हुए, जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं उन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि आम तौर पे जो व्यूज़ हम बना रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी दराज की आपको वेबसाइट की एग्जाम्पल दी कि जी वो पूरा ग्रिड में हम बना रहे होते हैं, तो वो ग्रिड का एक आइटम ना एक्चुअली एक डिव होता है, जो कि ज़ाहिर है डिव खुद इटसेल्फ इनविजिबल होता है। डिव के अंदर जो उसके कंटेंट होता है, जो उसका उस डिवीजन का या उस कंटेनर के अंदर जो एलिमेंट्स प्लेस होते हैं वो तो हमें दिख रहे होते हैं, लेकिन वो डिव इटसेल्फ इनविजिबल होता है। लेकिन साइजिंग के लिए कि जी वो कितनी हाइट कितनी विड्थ रखनी है, इसके लिए डिव बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो कोई भी हम जब व्यू क्रिएट करते हैं, कोई भी हम आप कह लें कि स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जब हम पेज का, कि जी अच्छा जी मुझे ना एक पेज चाहिए जिसमें ग्रिड के तौर पे तमाम प्रोडक्ट शो हो रही हो, तो ये एक स्ट्रक्चरल बात है। अच्छा, फिर एक लाइन में कितनी हो, चार हो पांच हो प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज़, तो ये डिव के ज़रिए ना ये सारा काम आमतौर पे हम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिव स्पेशली बनाया ही इसी चीज़ के लिए किया है। तो जी इन्होंने क्या किया, एक डिव लिया और डिव को यहाँ क्लोज कर दिया, और इस डिव के अंदर एक इमेज लगा दी और एक यू एल लगा दिया, दैट्स इट। और आपको वहाँ नीचे जो है ना ये चीज़ नज़र भी आ रही है, ये इमेज है ऊपर, नीचे एक यू एल लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो स्क्रीन पे ये ऑलमोस्ट आपको कोई डिफरेंस अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा होगा, ये डिव ना भी लगाता मैं तो ये आता इसी तरह, ठीक है जी। ये आता इसी तरह का मतलब क्या है कि जी इमेज जो वो इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट है, उसके बाद जो यू एल है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो इन्होंने पहले बता दिया। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट किसी के पड़ोस में खुद नहीं जाता, नई लाइन से स्टार्ट होता है, तो ये नई लाइन से स्टार्ट हुआ है, तो स्क्रीन पे आपको कोई ऐसा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन ये डिव क्या है, ये एक इसको कंटेनर दे दिया गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि जी आप जाओ फला डिव पे जाओ जिसका जिस पे आईडी डली हुई हेडर, और उस डिव के अंदर जितने भी आइटम है ना उन सब पे लगा दो आप बॉर्डर, तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं क्लास के ज़रिए भी कर सकता हूँ, और ये आपने देखा मैं डिव के ज़रिए भी कर सकता हूँ। अच्छा, डिव का और क्लास का जो है ना अपना अपना यूज़ है। जहाँ पे मुझे डिव की ज़रूरत होती है वहाँ पे मोस्टली क्लास काम नहीं आती, ठीक है, वहाँ पे मुझे डिव बनानी पड़ती है, और जहाँ पे क्लास की ज़रूरत होती है वहाँ पे डिव काम नहीं आता। एक आपको मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, ये जो डिव है ना इसको अभी तो इन्होंने आईडी दी हुई है, लेकिन एक्चुअली मैं इसको अगर हम अगेन दराज का जो व्यू है उसकी हम बात करें, जो उनका प्रोडक्ट का पेज है, तो इस आईडी की जगह पे ना उसमें क्या होगा, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है, ये एक डिव एक प्रोडक्ट है उस ग्रिड के अंदर जहाँ 20 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ये उसमें से एक है, तो यहाँ पे होगी क्लास। अच्छा, वो क्लास का मैं मिसाल के तौर पे ये नाम रखूँगा कि ग्रिड आइटम, ठीक है, प्रोडक्ट ग्रिड आइटम, कि जी प्रोडक्ट जो ग्रिड में शो होती है उसका एक आइटम है। अच्छा, फिर मैं उसके इमेज पे भी ना यहाँ पे मैं एक अलग से क्लास लगाऊंगा, इस इमेज के ऊपर मैं क्लास लगाऊंगा, फिर इसके यूएल पे मैं क्लास लगाऊंगा, और मैं बोलूँगा कि जी आप जाओ प्रोडक्ट ग्रिड आइटम पे, क्लास के ज़रिए मैं पकड़ूंगा इसको, क्योंकि एक नहीं है ना डिविए बहुत सारे हैं, स्क्रीन पे 20 प्रोडक्ट एक साथ शो हो रही है, तो वो क्लास के ज़रिए सारा होगा। वेल, इंशाल्लाह ये हम बहुत जल्द करके देखेंगे अपने हाथ से, तो हमें ये मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। अभी मैं वो थ्योरी में जितना भी बता लूँ, ज़ाहिर है वो एक थ्योरी की हद तक बात अलग होती है, ख़ुद से करना एक बात अलग होती है। तो ये जी डिव हो गया। अच्छा, डिव का ही एक वर्जन, एक तो डिव हो गया वो जी ब्लॉक लेवल कंटेनर है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट है कंटेनर। एक और भी हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है जो कि कहलाता है स्पैन, ठीक है।
ये एक ऐसा कंटेनर है जो कि इनलाइन है। अब मिसाल के तौर पे ये एक पैराग्राफ लिखा है इन्होंने, इस पैराग्राफ के दरमियान में एक बात लिखी हुई है यहाँ पे टेट मॉडर्न, और इस बात को इन्होंने इनक्लोज किया है एक स्पैन के अंदर, ठीक है, स्पैन टाइप के कंटेनर के अंदर। अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पे ये स्पैन के कंटेनर में इसको मैं इनक्लोज नहीं करूँ तो इस पर ना मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, सही है, इस वजह से इसको यहाँ पे इनक्लोज किया गया है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जैसे ये अनीश कपूर ये बात लिखी हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर ये जो बात लिखी हुई है अनीश कपूर, ये इसका कलर रेड हो जाए, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए। अच्छा, तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इस पार्ट को का कलर चेंज कर दूँ, ये पूरे पैराग्राफ का चेंज होगा कलर, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा पी का कलर चेंज करो तो पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज होगा। अगर मुझे ना इतने का कलर चेंज करवाना है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको किसी ना किसी एलिमेंट में रैप करूँ, कि कोई ना कोई मार्कअप इसको मैं असाइन करूँ। अच्छा, अब मैं कौन सा मार्कअप असाइन करूँ, बी बोल्ड का, बोल्ड का करूँगा उसको बोल्ड कर देगा वो, है ना, या मैं उसको करूँगा कि पैराग्राफ का, अब वो पैराग्राफ उसको उठा के वो नई लाइन में ले जाएगा, ये भी मसला हल नहीं है। अब मैं उसको कौन से मार्कअप में इनक्लोज करूँ, कोई ऐसा मार्कअप मुझे चाहिए जिसका कोई इफेक्ट ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट कोई इफेक्ट ना हो, डिव में नहीं कर सकता मैं, डिव भी उसको नई लाइन में लेके चला जाएगा क्योंकि वो ब्लॉक लेवल है। और कौन सा मेरे पास मार्कअप है ऐसा, आई का एक मार्कअप है इटैलिक कर देगा वो, तो हर मार्कअप का कोई ना कोई इफेक्ट है, कोई ना कोई इम्पैक्ट है। मुझे एक ऐसा मार्कअप चाहिए जो जस्ट कंटेनर हो, कोई उस पर उसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई इम्पैक्ट ना हो, तो वो है स्पैन। अब मैंने क्या किया, इस अनीश कपूर को स्पैन में इनक्लोज कर दिया। अच्छा, उस स्पैन को मैंने कोई आईडी या क्लास भी दे दी, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया कि यार इंडियन नेम या हिंदी नेम, इसको मैंने क्लास दे दी स्पैन में इनक्लोज करके हिंदी नेम। तो मैं अब सीएसएस में जाके बोलूँगा, स्टाइलिंग की जब बात आएगी मैं बोलूँगा हिंदी नेम के नाम से जो क्लास है ना उसको रेड कर दो आप, वो रेड कर देगा उसको, ठीक है। जब तक मैं इसको इनक्लोज नहीं करता किसी एलिमेंट में, इसके ऊपर मैं कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकता, इसके ऊपर किसी किस्म का मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा पूरे पैराग्राफ पे होगा, ठीक है। अगर मुझे इसके ऊपर सिर्फ इतने पार्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इतने पार्ट को किसी ना किसी एलिमेंट में मुझे रैप करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया, दो तरह के कंटेनर देख लिए, नंबर एक डिव, नंबर दो स्पैन। डिव जो है वो ब्लॉक लेवल कंटेनर है, स्पैन जो है वो इन लाइन कंटेनर है, दोनों का हमने इस्तेमाल देखा। और अब हमारे पास मौजूद है यहाँ पे आई फ्रेम। आई फ्रेम बड़ा मज़े का टॉपिक है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको हम जो है ना अब हम नेक्स्ट वीक करते हैं, आज के लिए हमने जितना कर लिया वो इनफ है। अच्छा, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आई फ्रेम का जो इन्होंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसको आप खुद से लिख कर देखिएगा, इसका आउटपुट भी यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी आप कॉफ़ी शॉप वगैरह की वेबसाइट खोलते हैं तो लास्ट में जाके ना उन्होंने मैप लगाया होता है कि जी इधर है हमारा कॉफ़ी शॉप, तो वो हाँ नहीं नहीं नियर मी वाला नहीं, वो पूरा मैप आ रहा होता है उसमें, वो ऐसे वो गूगल मैप होता है, वो बाकायदा स्क्रॉलेबल होता है, तो वो इस तरह से ही होता है, ठीक है। और भी तरीक़े हैं लेकिन वन ऑफ दोस्त तरीका ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और भी तरीक़े हैं सेम काम को करने के। तो ये आप लोग ना अपने हाथ से ज़रूर इसको करके देखिएगा। और ये इन्होंने एक सर्टेन एड्रेस लगाया हुआ है, न्यूयॉर्क करके ना कोई मोमा न्यूयॉर्क करके कोई दुकान है उसका एड्रेस लगाया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने चेंज करके अपने घर का या अपने स्कूल का या इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस लगा के लगाने की कोशिश करनी है, सही है। तो ये आपके लिए मैं एक छोड़े जा रहा हूँ क्यूरियोसिटी के लिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स किए इसमें, स्क्रॉलिंग वगैरह इसमें बॉर्डर कुछ लगाए हैं, तो ये आपने जो है ना इसको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं ये कोड आपको लिख कर दिखाऊंगा, इस कोड को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। लेकिन ये आपने खुद से इसको ट्राई करना है आज जाके, ये अभी यहाँ पर हमारे पास टाइम है, क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पे सब लोग ना इसको लगा के देखें, इसको आई फ्रेम को ना अपने हाथ से ज़रा कोडिंग करके देखें आप लोग, ठीक है जी।